हेलो अगेन स्टूडेंट्स, ग्लोसरी ग्लोसरी यानी कि इस पोएम के अंदर आने वाले जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे या डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट, तो फॉलोइंग इन समवन फुट स्टेप्स, एक ही वर्ड है किसी का फ्रेज कि किसी की जो उसका मीनिंग है डूइंग द सेम थिंग दैट समवन हैज़ डन समवन एल्स हैज़ डन बिफोर और कॉपिंग एनीवन समवन्स एक्शन। फिर दूसरा है उसका लीडिंग यानी कि गाइडिंग, फॉलो कर किसी को बताना किसी को समझाना। एंड टू ग्रो अप टू बिकम एन एडल्ट, टू बिकम एडल्ट बड़ा हो जाना, ये ग्लोसरी थी। अब इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे इंग्लिश वर्कशॉप। इसमें पहला जो क्वेश्चन है, पुट द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट इन अ प्रॉपर ब्लैंक। तो पहला जो पोएम रीड द पोएम अलाउड वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, आप भी उसको एक बार फिर से पढ़ेंगे मेरे इस वीडियो को देखकर साथ में। और उसके बाद जो दूसरी एक्टिविटी है, पुट द पोएम गिवन इन द ब्रैकेट इन अ प्रॉपर ब्लैंक। द डैश इज टॉकिंग टू इट्स डैश, ऑब्लिक में है फादर एंड चाइल्ड। सो हु इज़ टॉकिंग टू हिज चाइल्ड इज़ टॉकिंग टू हिज फादर। डैश The dash is leading and the dash is following. कौन lead कर रहा है and कौन follow कर रहा है? The father is leading and the child is following him. Someday the dash will become a dash. Father and child. किसी दिन जाके child will become a father. एक दिन आएगा कि जो बच्चा है वो भी फादर हो जाएगा, फादर बन जाएगा। नेक्स्ट है, द डैश डज नॉट विश टू फॉल वाइल फॉलोइंग हिज फादर। द चाइल्ड डज नॉट विश टू फॉल, बच्चा गिरना नहीं चाहता है जब वो अपने फादर को क्या करना चाह रहा है, फॉलो करना चाह रहा है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एंड राइट द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। राइमिंग जिसके लास्ट वर्ड जो हाँ सेम साउंड निकलते हैं, सो ये राइमिंग पेयर्स आपको पोएम के अंदर से ढूंढना है। पहला है स्मॉल और उसका राइमिंग पेयर है फॉल, दूसरा है सी मी, तीसरा है बी मी और चौथा जो था वो था टू यू। अब इसके आगे जो है आप लोगों को नेक्स्ट एक्टिविटी देखनी है, द स्टेटमेंट आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू या फॉल्स है, ट्रू या फॉल्स, सही या गलत। द फादर इज द स्पीकर ऑफ द पोएम, द चाइल्ड इज फॉलोइंग इन हिज फादर फुट स्टेप। थर्ड क्वेश्चन है, द चाइल्ड वॉन्ट्स टू बिकम लाइक इट्स फादर। एंड जो चौथा है, द चाइल्ड वुड नॉट वॉन्ट टू लीड इट्स चाइल्ड आफ्टर बिकमिंग अ फादर। पहला है द चाइल्ड द फादर और द स्पीक द फादर इज द स्पीकर ऑफ द पोएम, फादर नहीं बल्कि बच्चा बोल रहा है। द चाइल्ड इज़ फॉलोइंग हिज फादर फुट स्टेप, बच्चा अपने फादर के फॉलो कर रहे हैं फुट स्टेप। थर्ड है, द चाइल्ड वॉन्ट्स टू बिकम लाइक हिज फादर ट्रू। एंड द फोर्थ है, चाइल्ड वुड नॉट वॉन्ट टू लीड, ये गलत है, बच्चे का बच्चा भी अपने फादर को फॉलो करेगा। अब इसके बाद हम देखेंगे पोएम का अप्रिशिएशन ऑफ द पोएम, जो आपको पेपर में 5 मार्क्स के लिए आएगी। इसमें सबसे पहले लिखना होता है टाइटल, तो टाइटल है वॉक अ लिटिल स्लोवर। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है द थीम और द सेंट्रल आइडिया, जो 2 मार्क्स के लिए होती है, आपको पेपर के अंदर 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। सेंट्रल आइडिया है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट द चाइल्ड द लिटिल चाइल्ड वॉन्ट्स टू फॉलो द राइटियस पाथ ऑफ इट्स फादर and wants to continue the same legacy with his own child in future. बच्चा जो है अपने फादर को सेम फॉलो करना चाह रहा है और उसका बच्चा जो है उसके फॉलो को करेगा। अब राय